वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पूरा रेडी हो गई हूँ मेरा गेटअप, और पूजा के बाद मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और अभी मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। ये है आज का तीज का पूजा। हमारे यहाँ तीज का पूजा जो होता है वो इस तरह होता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाई हूँ। बट फिर भी जो कुछ भी कर पाई हूँ आप देख ही पा रहे हो। तो अभी मैं फिलहाल पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और ये देखो मैंने सारा कुछ यहाँ पर रेडी कर रखा है। ये श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए भगवान जी को, ये सब फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स उधर रखा है मैंने, इधर टीका वगैरह और कच्चा दूध और सब कुछ रेडी है यहाँ पर। ये रोली मोली भी है, अक्षत रखा है, और ये दक्षिणा हाथ में रखने के लिए, जो पैसा मोली बांधते हैं ना तो हाथ में रखते हैं हम लोग अक्षत और पैसे, तो उसके लिए है। तो लगभग सारा कुछ मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। पिछले आधे घंटे से मैं यही कर रही हूँ, और अब मैं ये पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स वगैरह को वॉश कर लेती हूँ और बाकी सारी विधियाँ स्टार्ट करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना और देखना कि हमारे यहाँ तीज का पूजा किस तरह होता है। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर न्यू आए हो तो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी प्रेस करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अब ये निर्जला उपवास है, मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बट फिर भी करना तो था ही। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहना मेरे साथ मेरे व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूजा थोड़ा लंबा होता है, बट आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर आप हमारी संस्कृति से रूबरू होना चाहेंगे, तो बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो पूजा स्टार्ट कर लिया है मैंने, और सबसे पहले मैं गंगा जल से जो फ्रूट्स हैं उसको वॉश करके और थाली में रख लूँगी, उसके बाद आगे की विधि करूँगी। तो ये देखो कटोरी में मैंने चरणामृत बनाया था, तो उसको मैंने लोटकी में पहले डाल लिया, और फिर लोटकी चरणामृत से पहले भगवान जी को स्नान करा रही हूँ, और उसके बाद फिर जल से स्नान कराऊँगी। और कुह पूजा में बहुत इंटरेस्टेड है आजकल, तो ये देखो वो भी हैंड फोल्ड करके खड़ी हुई है। और स्नान कराते वक्त ही मुझे याद आया कि मैंने चुन्नी नहीं रखी है सर पर, तो मैंने सबसे पहले चुन्नी रखी और उसके बाद गंगा जल सभी भगवान जी पर अर्पित किया। और फिर ये देखो चंदन का टीका लगा रही हूँ, तो पहले शिव जी को और गणेश जी लोगों को चंदन का टीका लगा दूँगी, और पार्वती माँ को सिंदूर का टीका लगा दूँगी। ये देखो 5 बार सिंदूर लगाते हैं पार्वती जी को। तो इस ब्लॉग में आपको तीज का जो पूरा विधि विधान से पूजा होता है वो देखने को मिलेगा। तो पूरी अच्छी तरह से, जिस तरह अगर आप तीज करते हो तो आप ये ब्लॉग को देख के बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो अगर आपकी पहली बार है तो। तो टीका करने के बाद मैंने अक्षत छीट दिया है, मतलब चावल जो होता है ना उसको छीट दिया भगवान जी के ऊपर में, और ये सारा श्रृंगार का सामान है जो मैं पार्वती माँ के ऊपर चढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने ये 2 सेट्स लिया है, इसमें सब कुछ है, चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता नेल पॉलिश और लिपस्टिक है, साथ में रबर बैंड है, कुछ कोम्ब है, ऐसे करके मेहंदी है और बिछिया है। तो ये सारा कुछ 2 सेट्स में मैंने लिया है, और ब्लाउज का पीस है तो 2 सेट्स में लिया है। एक चढ़ाऊंगी जो कि मैं आईना भी है जो कि मैं पंडित जी को दान दे दूँगी, और दूसरा काजल भी था इसमें, और दूसरा मैं अपने लिए रखूँगी जिसको मैं पूजा के बाद पहनूँगी। तो ये सारा मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, और अब जो फ्रूट्स वॉश करके रखा था ना उसको भी चढ़ा दूँगी, और दोनों जगहों पर जो दक्षिणा जो होता है वो फ्रूट्स में भी, और जो फल है उसमें भी, और जो श्रृंगार का सामान है उसमें भी दक्षिणा चढ़ा दिया, और यहाँ पर लोटकी रख दिया। अगर आपकी पहली बार अगर आप तीज का व्रत कर रहे हो ना, तो मेरा इस ब्लॉग को देख के बहुत ही आराम से आप पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है, तो बिल्कुल आराम से मेरे इस ब्लॉग को देख के आप पूजा कर सकते हो। सारी विधि विधान मैंने इसमें बता रखा है। तो ये देखो अभी क्या कर रही हूँ ना, मौली से शंकर भगवान जी और पार्वती माँ का 7 फेरा कर रही हूँ मैं। जैसे शादी होती है ना तो भगवान जी तो चल के फेरे नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए मौली से उनके चारों तरफ 7 फेरा कर दिया है मैंने। तो ये देखो 7 फेरा हो गया है, और जो फूल वगैरह था वो हटा के किया था तो फिर से फूल चढ़ा दिया, और जो बचे हुए फूल थे वो देखो मैं उससे शंकर जी को बहुत अच्छी तरह से सजा देती हूँ। तो डेली ये तो आज कर रही हूँ, ये डेली का काम है। जितने भी मेरे यहाँ पर मेरे बागान में बहुत सारे फूल होते हैं, तो मैं पूरे मंदिर को फूलों से सजा देती हूँ पूजा के टाइम पर। तो इस तरह करके पूरा विधि विधान हो गया। अब एक दिया जला लूँगी और फिर जाके कथा पढ़ना स्टार्ट करूँगी, और बहुत गर्मी हो रखी थी और उपवास के कारण ना बहुत परेशानी हो रही थी। और आप देख रहे हो ना कि मैं बिल्कुल अकेले पूजा कर रही हूँ,
कोई भी नहीं है जो मेरे साथ पूजा कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सिर्फ मैं और कुआ है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों है? आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ अकेले ही तीज का व्रत कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग जब आप मेरा तीज का देखोगे ना, तो बहुत ही धूमधाम से मम्मी के साथ, आंटी के साथ, सबके साथ मिलकर तीज का व्रत किया था। बट इस बार बिल्कुल अकेले, ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तबीयत ख़राब भी है उसके बाद भी मैं अकेले हूँ और व्रत रख लिया है। सब बोल रहे थे कि नहीं करो, मेरा भी नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, बट बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया मैंने अब तक। और अब मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, और उससे पहले हाथ में अक्षत फूल और दक्षिणा ले लेंगे। हरतालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले के कल्प वृक्ष के फूल से ढके हुए हैं, और जो सुंदर सुंदर एवं नए वस्त्र को धारण करने वाली है, तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है, और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। जय श्री। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर के से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो, और जिसके करने से थोड़ा करने में थोड़ा परिश्रम हो, और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं अपनी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ, मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित है आप, मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें उस उत्तम व्रत कथा व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि तारों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझ जाते हैं, वैसे ही पुराणों में वेदों का विश्वोत्तर पुराने हर गौरी सामवेदे हरतालिका व्रत कथा समाप्त। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय, बाधा विघ्न विनाशक गन्नु महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, नंदी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया वंत चारवती चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोहे मुझे की सवारी, अंदन को आंख देत कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मीवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय
तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मेरा पूजा खत्म हो गया है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पानी पी लूँ। अभी 2 बज रहा है और क्या बोलूँ मैं, और मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख। नहीं बेटा अभी पानी नहीं पीना है, आज मेरा उपवास है ना, नहीं पी सकती। वो मुझे पानी दे रही है लेकिन पानी तो अभी पीना नहीं है। तो आप, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लगा आपको? अभी तो सारा ख़राब हो गया, बहुत गर्मी था, बहुत पसीना हो रहा था तो मेकअप सारा ख़राब हो गया है। बट मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल पारण करके मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड हैप्पी तीज टू ऑल द लेडीज जो मेरी वीडियोस वॉच कर रही होंगी। नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मिलती हूँ जल्दी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।